जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म प्ले डेड के बारे में। दोस्तों फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें क्लोई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी और कुछ साल पहले उसकी माता की मौत हो गई थी और इसी गम में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। क्लोई कॉल पे इंश्योरेंस वालों से बात कर रही होती है जो कि कहते हैं कि वो उसका घर अब नीलाम कर देंगे। तो क्लोई उनसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उसके पिता उसके और उसके भाई के लिए घर छोड़कर गए हैं। तभी वो उसका कॉल काट देते हैं और उसके बाद वो अपने भाई टीजे को कॉल करती है ताकि वो इसे इसके बारे में इत्तला कर दे। उसका भाई टीजे रॉस नाम के एक लड़के के साथ होता है जो कि क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड था। जब अपनी बहन का कॉल आता हुआ देखता है तो वो उसे काट देता है। रॉस और वो मिलके एक शॉप में रॉबरी करने वाले थे ताकि टीजे को उस पैसे मिल सके और वो अपना लोन चुका सके। रॉस टीजे से कहता है कि इस बारे में वो अपनी बहन को बिल्कुल ना बताए, तो टीजे उससे कहता है कि वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद वो उसे गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है और अपनी नकली गन लेके वो शॉप के अंदर जाता है ताकि वो शॉपकीपर को डरा सके। तभी टीजे को अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और रॉस भागते हुए बाहर आता है जिसे गोली लग चुकी थी। उस शॉपकीपर ने उसे गोली मार दी थी। वो टीजे पे भी शूट करता है लेकिन टीजे किसी तरह बच जाता है और गाड़ी से वहां से भाग निकलता है। वो भाग के तुरंत अपने घर जाता है जहां उसकी बहन उसे इस हालत में देखकर बहुत ही घबरा जाती है और उसके बाद वो उसके शरीर में लगे कांच को निकालती है। उससे पूछती है कि आखिर वो इतना जख्मी क्यों हुआ है, तो वो उसे सारी बात बताता है। तो उसे रॉस की चिंता होने लगती है। उससे कहती है कि बेशक रॉस ने उसे छोड़ा है लेकिन उसे उसकी अब भी चिंता है, तो उन्हें वापस वहां पे जाना चाहिए देखने के लिए कि वो सही है या नहीं। टीजे उसे बताता है कि अब तक वो मर चुका होगा। सुनकर क्लोई बहुत रोती है और याद करती है कि वो रॉस के साथ कितनी खुश थी। इधर रॉस की लाश के पास एक शेरिफ होता है क्योंकि उसकी लाश को उठा के मॉर्ग में रखवा देता है। इधर क्लोई अपने भाई से पूछती है कि आखिर उन्होंने वो रॉबरी कैसे प्लान करी थी, तो वो उसे बताता है कि वो रॉबरी उन्होंने फोन पे प्लान करी थी। सुनकर उसकी बहन उस पर गुस्सा करती है और टीजे से कहती है कि आखिर वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, अगर वो फोन पुलिस के हाथ लगा तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। सुनकर टीजे अपनी बहन से कहता है कि उन्हें वो फोन लाना ही होगा वरना उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्लोई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग उस मॉर्ग के बाहर जाते हैं। क्लोई कैमरे के सामने जाती है और हम देखते हैं कंट्रोल रूम में मॉर्ग पर्सन उसे देख रहा है। वो उसे कहती है कि यहाँ पे उसकी एक दोस्त की लाश आई है और वो उसे आखिरी बार देखना चाहती है, तो दरवाजा खोल दे। इधर उसका भाई तार काट के चुपके से वहां पे दाखिल होने की कोशिश करता है लेकिन उस मॉर्ग मैन का डॉग उस पे भौंकने लगता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मॉर्ग मैन जब ये देखता है तो वो दरवाजे को नहीं खोलता और उस लड़की से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। अब इन दोनों के पास कोई भी चारा नहीं होता अंदर जाने का, तो ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो अंदर कैसे जाएंगे और सबूत को चुरा कर लाएंगे। तभी क्लोई को याद आता है कि टीजे की एक दोस्त डॉक्टर है, तो वो उसके क्लिनिक में जाते हैं और उससे एक तरह का डोज ले लेते हैं जिससे इंसान की बॉडी कुछ घंटों के लिए मरी हुई जैसी हो जाती है। उसे लेके वो एक जगह पे जाते हैं और वहां पे क्लोई उसे सेडेट कर लेती है जिससे वो बेहोश होने लगती है और वो टीजे से कहती है कि वो उस मॉर्ग के बाहर ही उसका इंतजार करे। कुछ देर बाद पुलिस को क्लोई की लाश मिलती है तो वो उसे मॉर्ग में ही भेज देते हैं और जब क्लोई की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस मॉर्ग में पाती है। वो देखती है कि वहां पे कई सारी लाशें हैं, तो वो हर एक लाश के टैग चेक करने लगती है। तभी उसे मॉर्ग पर्सन के वहां पे आने की आवाज आती है, तो वापस से पर्दा ओढ़ लेती है और लाश होने का प्रिटेंड करती है। मॉर्ग पर्सन वहां पे आगे सभी लाशों के टैग देखता है और एक लाश को वो अपने साथ ले जाने वाला था लेकिन तभी उसका एक सामान नीचे गिर जाता है, तो वो उसे उठाने जाता है जहां पे वो क्लोई की तरफ देखता है जो कि उसे घूर रही थी और क्लोई एकदम स्टिफ हो जाती है ताकि उसे एहसास ना हो कि वो अभी जिंदा है। उसको लगता है कि वो लाश ही है जिसकी आंखें खुली हुई है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और एक लाश को लेके वो वहां से चला जाता है। जब दरवाजे को बंद करता है तो क्लोई बड़ी चलाकी से वहां पे आके उसके अंदर हाथ डाल देती है ताकि उसका दरवाजा बंद ना हो सके। उसके जाने के बाद वो बाहर निकलती है लेकिन अभी वो कुछ डिजी फील कर रही थी क्योंकि उस दवाई का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो जब आगे बढ़ती है तो वो एक रूम में पहुंचती है जहां उसे एक लड़की की लाश नजर आती है जो कि शायद एक्सीडेंट से मारी गई थी। उस लड़की हालत देखकर उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि एक्सीडेंट में उसका पूरा चेहरा ही खराब हो गया था। उसके बाद उसे वहां पे नर्स के कपड़े मिलते हैं तो वो उसे पहन लेती है और फिर वो मॉर्ग पर्सन के पीछे जाती है देखने के लिए कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो देखती है कि वो अपने रूम में है और किसी से बात कर रहा था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो उस लड़की के ऊपर जो लाइट लगी थी उसे ऑफ करने के लिए जाती है जिसकी आवाज वो बंदा सुन लेता है और वहां पे आता है चेक करने के लिए। लेकिन जब उसे अच्छे से देखता है तो वहां पे उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। क्लोई उसका पीछा करती है और उसे कंट्रोल रूम तक पहुंचती है जहां वो देखती है कि उसने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं जहां से वो सब पे पूरी नजर रख पाता है। तभी उस मॉर्ग में एक बंदा आता है जो कि कुछ लेने आया था और उसे देखते ही वो मॉर्ग पर्सन गेट को खोल देता है। उसके बाद वो अपने रूम से एक ऑर्गन को निकालता है और उसे लेकर उस बंदे के पास जाता है जिससे क्लोई को पता चलता है कि वो बंदों के ऑर्गन्स निकाल के बेचता है और बंदा जो यहाँ पर आया है वो एक माफिया का आदमी है जो कि उससे ऑर्गन्स खरीदते हैं और उसे बाद में मार्केट में बेचते हैं। वो बंदा उससे वो ऑर्गन लेता है और उसके बाद वहां से चला जाता है और फिर मॉर्ग मैन वापस अंदर जाता है ताकि वो और भी ऑर्गन्स को निकाल सके। उसके बाद क्लोई एक रूम में जाती है जहां पे उसे रॉस की लाश मिलती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा रोती है और याद करती है कि कैसे वो वक्त साथ बिताया करते थे। तभी उसे उसके पेट पे कुछ स्टिचेस नजर आते हैं जिससे वो समझ जाती है कि उस बंदे ने इसकी ही किडनी निकाली थी। जब वहां से जा रही होती है तो
तो अचानक रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और वो होश में आके उससे कहता है कि वो अभी मरा नहीं है। ये देखकर क्लोई हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो जिंदा कैसे है, तो वो उसे बताता है कि वो पहले से ही जिंदा था, लेकिन उसे यहाँ पे मरा हुआ साबित करके वो लोग यहाँ पर ले आए हैं और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर से कुछ निकाला है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्लोई ये सब जान के बहुत ही डर जाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे यहाँ से निकाल कर ही रहेगी। उसे बताती है कि मॉर्ग पर्सन के पास एक चाबी है जिसे वो लेने जा रही है और उसके बाद वो सारे गेट्स को खोल के यहाँ से भाग निकलेंगे। इधर मॉर्ग पर्सन एक लाश के पास होता है और वो अपने सारे सामान एक टेबल पे रख देता है और उसके बाद वो ड्रिल मशीन ऑन करके उस लाश के रिब्स को काटता है और फिर वो उसके अंदर से ऑर्गन्स निकालता है ताकि वो उसे बेच सके। क्लोई बहुत ही चुपके से उसके पीछे आती है और उसकी चाबी चुरा के ले जाती है और उसके बाद वो रॉस को उठाती है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगती है। वो मेन डोर पे पहुंचती है तो सारे दरवाजे खोल के वो बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी मॉर्ग पर्सन देखता है कि उसकी चाबी वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई मौजूद है और जब वो अपने कंट्रोल रूम में जाता है तो वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक लड़की आई है जो कि एक लड़के को लेके भाग रही है और इसलिए सारे दरवाजे कंट्रोल बटन से बंद कर देता है जिससे दोनों बाहर नहीं निकल पाते और वो तुरंत वहां पे आके उनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। जब क्लोई की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और अब सामने वो रॉस को देखती है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी मॉर्ग पर्सन उसके सामने आता है और उसे बताता है कि उसका नाम कॉनर है और वो यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा है और उसे कभी भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो न जाने कैसे यहाँ पे दाखिल हो गई और उसने सारी दिक्कत क्रिएट कर दी। उसे भी बताता है कि वो कुछ घंटों की ही मेहमान है, इस लड़के को मारने के बाद वो सीधा उसे ही मारेगा। क्लोई उसे बताती है कि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है लेकिन उसने कभी मेडिकल का इस्तेमाल नहीं किया कुछ बुरा करने के लिए, वो मेडिकल का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऑर्गन का बिजनेस कर रहा है। इसलिए कॉनर उससे कहता है क्या उसे पता है कि बॉडी पार्ट से कितने पैसे मिलते हैं। उसे अंदाजा भी नहीं है ऐसे बॉडी पार्ट्स बेच के वो लोग कितना अमीर हो जाते हैं। ये कह के वो रॉस का पेट फाड़ता है और उसके सामने ही उसका लिवर निकाल लेता है जिससे रॉस की मौत हो जाती है और ये देखकर क्लोई जोर से चिल्लाती है। तो क्लोई के मुंह में एक ग्लव्स डाल देता है और उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। वो अपनी बेटी का फोन उठाता है तो उसकी बेटी उसे घर आने के लिए कहती है, तो वो उससे कहता है कि आज बहुत ज्यादा काम है इसीलिए वो घर नहीं आ सकता। कॉल कटने के बाद क्लोई उससे पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों करता है, तो वो उसे बताता है कि वो लोगों को जीवन दान देने का काम करता है। ये इंसान जो मरने वाला है उसका शरीर किसी काम का नहीं होता, इसलिए वो उनके ऑर्गन्स को निकाल के बेच देता है ताकि वो किसी और के काम आ सके। वो रॉस के लिवर को अपने कंटेनर में डालता है और उसे लेकर वो वहां से चला जाता है। इधर क्लोई जब अकेली होती है तो वहां से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, वो किसी तरह अपने पैर को छुड़ा लेती है और उसके बाद वो टेबल की तरफ जाती है जहां वो एक सर्जिकल नाइफ लेती है और उससे काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर्जिकल नाइफ से पट्टी नहीं कट पाती और वो नीचे गिर जाती है। तभी क्लोई कटिंग मशीन उठाती है और उससे उस पट्टी को काट देती है और फिर वो अपने आप को आजाद करके वहीं पे छुप जाती है। जब कॉनर उस मशीन की आवाज सुनता है तो उसे पता चलता है कि शायद क्लोई वहां पे कुछ कर रही है, इसलिए जब वो वहां पे जाता है तो देखता है कि क्लोई वहां से गायब है। वो उसे वहां पे ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद वो कंट्रोल रूम में होगी तो वो वहां से चला जाता है। तभी क्लोई वहां से बाहर निकलती है जो कि एक स्ट्रेचर के नीचे छुपी हुई थी। उसके बाद क्लोई रॉस का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगी। वो एक गैस सिलेंडर अपने साथ ले जाती है और उससे एविडेंस रूम का दरवाजा तोड़ देती है और उसके अंदर दाखिल होकर वो रॉस के फोन को चुराने की कोशिश करती है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे और उसका भाई जेल ना जा सके। उसे उसका सामान मिल जाता है और उसे वहां पे उसकी नकली गन भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी कॉनर वहां पे आ जाता है। वहां पे सामान बिखरा हुआ देखता है जिससे वो समझ जाता है कि वो वहीं पर है और जब वो रॉस का सामान उठाता है तो उसके अंदर से उसे उसका फोन भी मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि शायद वो इस फोन के लिए ही यहां पर आई है। तभी क्लोई उसके सामने आती है और उस पे गन तान देती है और उसे कहती है कि वो फोन उसे दे दे। कॉनर वो गन देख के समझ जाता है कि वो फेक गन है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे शूट कर देती है जिसके अंदर से एक प्लास्टिक की गोली निकलती है जो कि उसकी आंख में लग जाती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और क्लोई वहां से भागने लगती है। कॉनर रॉस का फोन लेके उसकी लाश के पास जाता है और उसे अनलॉक कर देता है और उसके बाद वो देखने लगता है कि आखिर वो इस फोन के लिए यहां पर क्यों आई है। इधर क्लोई बेसमेंट में पहुंचती है जहां पे उसे कई सारे पेशेंट्स नजर आते हैं जो कि अभी जिंदा थे और वो बेहोशी की हालत में थे। वो समझ नहीं पाती कि आखिर यहां पे क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो उन सभी पेशेंट्स के स्टिचेस को देखती है जिससे वो समझ जाती है कि कॉनर यहां पे बंदे किडनैप करके लाता है ताकि वो उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हें बेच सके। तभी एक बंदे को होश आता है और वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन क्लोई इससे बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी कॉनर कंट्रोल रूम में जाता है और क्लोई को देख लेता है और वो उससे कहता है कि उसे पता चल गया है कि आखिर उसे फोन क्यों चाहिए। उसका भाई टीजे नहीं बच सकता और ये फोन अब वो पुलिस के हवाले कर देगा जिससे उसे जेल हो जाएगी और उसे वो जान से मारने वाला है। इसलिए क्लोई बहुत ही घबरा जाती है और भाग के वो कॉनर के रूम में जाती है और कॉनर इधर अपने कुत्ते को उसका पीछा करने के लिए कहता है। उसकी बात मान के उसका डॉग उसे ढूंढने लगता है ताकि वो उसे काट खाए और क्लोई उधर उसके ऑफिस से अपने भाई टीजे को फोन करती है और उसे बताती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है तो वो यहाँ से चला जाए, यहाँ पे बहुत ही गंदे काम हो रहे हैं जिसके बारे में वो उसे नहीं बता सकती। तभी कॉनर वहां पे आ जाता है जिसके कुत्ते ने उसे ढूंढ लिया था और वो उससे कहता है कि उसने फोन की लाइन अब काट दी है। वो अपने डॉग को आदेश
देता है उसे पकड़ने के लिए, तो वो क्लोई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और क्लोई उससे डर के वहां से भागने लगती है। इधर टीजे पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक शेरिफ आता है, जहां वो उसे बताता है कि वो सारी चीजें कन्फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी बहन अंदर फंसी हुई है तो वो उसे छुड़ा कर लाए। उसकी बहन भाग के तुरंत गेट के पास पहुंचती है ताकि वो वहां से भाग सके। उसका कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता, लेकिन तभी उसे कॉर्नर का एक कंटेनर नजर आता है जिसके अंदर उसने रॉस का लिवर रखा हुआ था। ये देखकर वो उस लिवर को निकालती है और उस कुत्ते को फीड कर देती है, जिससे कुत्ता उसे खाने लगता है और वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि वहां पे शेरिफ आया है जिसे टीजे लेकर आया है, और देखकर वो सारे दरवाजे खोल देती है ताकि शेरिफ अंदर आ सके। वो तुरंत दरवाजे के पास जाती है और शेरिफ को बताती है कि यहां पे बहुत ही गंदा क्राइम हो रहा है। शेरिफ उससे कहता है कि वो आराम से उसे सारी बात बताए, तो वो उसे सारी बात बताती है और शेरिफ उससे कहता है कि वो दोनों यहां पे रुके और वो अंदर जा रहा है देखने के लिए कि वो सच बोल रही है या नहीं। तभी वो पीछे मुड़ के क्लोई और उसके भाई को बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो शेरिफ उसका ही आदमी है जिसकी निगरानी में यहां पे ये सब हो रहा है और उसे सारी बात पता है। वो उससे कहता है कि वो उनका भांडा इतनी जल्दी नहीं फोड़ सकते, लेकिन तभी क्लोई वो नकली गन निकालती है और शेरिफ पे तान देती है और उसे कहती है कि वो उसे यहां से जाने दे वरना वो उसे शूट कर देंगे। शेरिफ इससे बहुत डर जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम में कॉर्नर होता है जो कि ये सब देख रहा था और उस दौरान माइक से शेरिफ को बताता है कि वो नकली गन है। ये देखकर शेरिफ अपनी गन निकालता है और उन पे तान देता है, तो कॉर्नर उनसे कहता है कि वो दोनों उसे बिल्कुल जिंदा चाहिए क्योंकि उसने जो लिवर निकाला था वो खराब हो चुका है क्योंकि वो उनके ही ऑर्गन्स निकाल के उन्हें बेचेगा। ये सुनकर शेरिफ उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और शेरिफ उसके डॉग को भी उनके पीछे भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए। टीजे जाली पे क्लाइंब करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉर्नर इलेक्ट्रिक शॉक ऑन कर देता है जिससे उसे शॉक लग जाता है और तभी वहां पे उसका कुत्ता आके उसका हाथ पकड़ लेता है। देखकर क्लोई उस कुत्ते को छूती है और हाई वोल्टेज वाला तार भी छू देती है जिससे उस कुत्ते को भी करंट लग जाता है और वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें बेसमेंट का दरवाजा नजर आता है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर से ही उसे लॉक भी कर लेते हैं। कॉर्नर शेरिफ के पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए उस माफिया का आदमी आ चुका है, उसके पास जो लिवर था वो उसका कुत्ता खा गया है जिसकी वजह से उन दोनों को उन्हें पकड़ना होगा और फ्लैश लिवर निकालना होगा ताकि वो उस बंदे को लिवर दे सके और उसे पैसे मिल सके। इसके शरीफ उससे कहता है कि उस बंदे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो भी यहाँ पे मौजूद है वरना वो सबको जाके बता देगा कि पुलिस वाले भी इन सब में शामिल है। कॉर्नर तुरंत बाहर जाता है और मैनिक्स के लिए दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी मैनिक्स की नजर पुलिस वाले की गाड़ी पे पड़ जाती है जिससे वो समझ जाता है कि पुलिस वाला भी यहाँ पे मौजूद है और वो भी उससे मिला हुआ है। शरीफ ये सारी बात सुन लेता है तो वो मैनिक्स को शूट कर देता है और गोली उसके पेट पे लग जाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। कॉर्नर शेरिफ से पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि उसे ये बात पता चल गई थी कि वो भी यहाँ पे आया है और अगर ये बात बाहर जाती तो पुलिस वालों की बहुत ही बदनामी होती। उसके बाद दोनों मैनिक्स को अंदर ले जाते हैं ताकि वो उसे जान से मार सके और इधर क्लोई और टीजे एक जाली से ये सब देख रहे होते हैं। शेरिफ कॉर्नर से कहता है कि वो यहाँ पे एक झूठी कहानी बनाएगा और बताएंगे कि मैनिक्स एक इंट्रूडर था जो यहाँ पे घुस आया था और गलती से उसने उसे गोली मारी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद कॉर्नर अपने ऑफिस में जाके अपने कस्टमर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे अब एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे क्योंकि उसका जो था वो खराब हो गया है और वो दूसरा अरेंज करने के लिए जा रहा है। सुनकर वो बंदा उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि वो जैसा भी है भेज दे। इधर दोनों भाई बहन जाली खोलते हैं ताकि वो मैनिक्स की मदद कर सके और वो उसे उठा के हॉल में ले जाते हैं ताकि बेसमेंट में वो सेफ रह सके। कॉर्नर कंट्रोल रूम से ये सारी चीजें देख लेता है और शेरिफ को ये सारी बात बताता है, तो शेरिफ अपनी कार के पास जाता है स्मोकिंग गैस लेने के लिए। वो बेसमेंट में जाके उस टीयर गैस को फेंक देते हैं ताकि वो उन्हें पकड़ सके और उन्हें जान से मार सके। वहीं पे दो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं तो क्लोई मैनिक्स और टीजे को दे देती है और उनसे कहती है कि वो छुप जाए। इधर शेरिफ उन्हें ढूंढ रहा होता है और जब वो क्लोई के पास आता है तो वो उसे जान से मारने के लिए जाता है, लेकिन क्लोई तभी एक सिलेंडर पे हथौड़ा मार देती है जिससे वो सिलेंडर प्रेशर में आ जाता है और वो उड़ के शेरिफ के मुंह पे लग जाता है जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उस टीयर गैस से क्लोई को बहुत दिक्कत हो रही होती है तो वो बेहोश होने लगती है और तभी कॉर्नर वहां पे आके अपने सारे पेशेंट्स को मार डालता है। उसके बाद उसे टीजे नजर आता है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे स्ट्रेचर पे लिटा के वो उसका लिवर निकालने वाला था। वो माइक पे क्लोई से कहता है कि अगर उसमें दम है तो वो अपने भाई को बचा के दिखाए और ये बात सुन के क्लोई वहां पे आ जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि कॉर्नर वहां से गायब है। वो टीजे को उठाती है और टीजे उससे कहता है कि वो पीछे देखे और जब वो पीछे देखती है तो कॉर्नर वहां पे मौजूद होता है जो कि उस पे हमला कर देता है। तभी क्लोई सिलेंडर उठा के उसके मुंह पे स्प्रे करती है और उसके बाद उसका मुंह फोड़ देती है जिससे कॉर्नर को बहुत दर्द होता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक चाकू से उसे स्टैब करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे मैक्सिन आ जाता है जो कॉर्नर पे हमला कर देता है और वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं। तभी मैक्सिन अपना चाकू क्लोई की तरफ फेंकता
करता है और क्लोई उस चाकू को उठा के उसके सर में घुसा देती है, जिससे कॉनर की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने भाई को छुड़ाती है और मैक्सिन भी अभी जिंदा था। मैक्सिन उनसे कहता है कि वो यहाँ पे एक ऑर्गन लेने आया था और अगर वो दोनों ऑर्गन वो उसे दे देंगे तो वो उन्हें वो सारे पैसे दे देगा। ये सुनकर क्लोई कॉनर को स्ट्रेचर पे लिटाती है और उसके बाद उसका ऑर्गन निकाल के वो कंटेनर में डालती है और फिर वो मैक्सिन को वो देती है तो मैक्सिन उन्हें ढेर सारे पैसे देता है, क्योंकि मैक्सिन को सिर्फ अपने ऑर्गन से मतलब था, उसे कोई मतलब नहीं था कि वो ऑर्गन किसका है या किसका नहीं। उन दोनों भाई बहन को इतने सारे पैसे मिलते हैं कि उससे वो अपना लोन भी चुका सकते थे और अपनी आय की लाइफ भी बहुत ही बढ़िया जी सकते थे। वो तीनों फिर उस मॉल से बाहर निकलते हैं और क्लोई टीजे को रॉस का फोन दिखाती है, जिसे वो चुरा कर वहां से ले आई थी और अब उसका भाई जेल भी नहीं जाने वाला था। मैक्सिन उनका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बाद वो उन्हें लिफ्ट भी देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्ले डेड की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे तो इसकी कहानी बहुत ही बढ़िया लगी और सच में ये मूवी देखकर बहुत ही ज्यादा मजा भी आया। ये बहुत ज्यादा थ्रिलिंग मूवी थी और एक बार आप इसे जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।